So hi guys, welcome back to another video, and this is the all new TVS Apache RTR 200 4V, all new BS6 fuel injected bike. This is a 200cc petrol single cylinder engine which produces 20.2 bhp of power and 16.8 Nm of torque. You can see the bike looks so nice and street look, and the front headlamp is so much admirable from Z900, a small version of Z900 Kawasaki, and this is the front overall look. TVS Racing. अगर आप लोग देख रहे हैं ना कोई भी ऐसी बाइक जो आपके बजट में 1 या 1.5 लाख के बजट में फिट हो जाए, and that too has the best electronics. This is the bike अगर आपको racing में भी जाना है, this is the best bike because TVS Racing in MMRT आपको वहाँ पे कन्वीनियंट हो जाएगा कि बिकॉज वो इवेंट्स प्रोड्यूस करते हैं. सो जिन लोगों को ट्रैक वगैरह में जाना और बहुत लो बजट है तो दिस इज द बाइक. नाउ लेट मी शो यू द फीचर्स ऑफ दिस बाइक. फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रैब हैंडल्स, सो द पिलियन वुड बी कंफर्टेबल, सीट्स आर कंफर्टेबल, दिस इज वेरी वाइड सीट, सो आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा. यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है बड़ा सा, TVS RTR रेड कलर में. दिस इज द टॉप एंड वेरियंट जिसमें आपको बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं. यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टेड, रेस ट्यून्ड, 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स. And this is the chain, very nice yaar. Now let me show you the levers. आप इसको race bikes की तरह level को भी adjust कर सकते हैं अपने hand के accordingly. Like this is the upmost position. Now I can यहाँ पे ले जा सकते हैं, one पे ले जा सकते हैं, तो it's very close. So जिनके लोगों का हाथ छोटा ना उनको काफ़ी convenient रहेगा. यहाँ पे पास से ही आप कर सकते हैं TV hand को, यहाँ से passing signal, low beam, high beam. Let me show you the, this is the thing यार. फुली रेस गियर अप लिख देते हैं. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है आपको नेविगेशन के लिए एंड ये हेडलाइट के लिए. बाकी स्विचेस है, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं. यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं, लैप टाइम लगा सकते हैं, हाई स्पीड मोड लगा सकते हैं. तो इसमें टॉप स्पीड जो है कि आपकी वो कैलकुलेट करेगा. बाकी ये इसके साइड इंडिकेटर्स, नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर्स है. दिस आर द LED लाइट्स, काफ़ी प्यारी लगती है. ये इसकी लो बीम लाइट है, दिस इज द हाई बीम. लेट मी शो यू, दिस इज द बाइक, द हाई बीम. गाइस ये कुछ बाइक का लुक. अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, डबल स्टैंड मिलता है, ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, एंड ये इसका स्ट्रीट फ्रंट से ओवरऑल लुक. टायर साइज की बात कर ले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90-90-17 मिल जाते हैं, गुड इनफ है. एंड द रियर टायर ट्रेंड्स टू बी 130-17 R17, काफ़ी अच्छी NS200 जैसी बाइक्स में भी यही टायर साइज मिलते हैं. सो ग्रिप काफ़ी अच्छी ऑफर करेगा ये, एंड ये R17 है, डैट मीन्स इट्स अ रेडियल टायर. सो आपको काफ़ी चौड़ा देगा तो कॉर्नरिंग वगैरह में काफ़ी कन्वीनियंट रहता है. यहाँ पे ब्रेक कैलिपर को किस तरीके से कवर्ड रखा करें कि धूल मिट्टी ना जाए वो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है. एंड दिस इज द बाइक. अब इसको राइड करते हैं और आपको बताते हैं इसका इंपॉर्टेंट थिंग. सो गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं. सुपर बाइक्स में आपको एडजस्ट करने के लिए मिलता है, इवन मिड सेगमेंट के सुपर बाइक्स में भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते. बट TVS में आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हार्ड हो जाएगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपने ट्रैक के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आपको ऑफ रोडिंग करती है तो आप सॉफ्ट में रख सकते हैं. दिस इज द वे इट वर्क्स. इसको हार्ड कर देते हैं, इसको भी हार्ड कर देते हैं. यहाँ से यहाँ पे आपको मार्किंग्स मिल जाती है जिससे आपको इंडिकेशन रहेगा. सो लिटिल बिट मोर हार्ड. सो दिस इज द थिंग, TVS हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब. नो ब्रांड हैज एवर डन टिल द डेट इन इंडिया स्पेशली. तो दिस इज TVS अपाचे RTR 204V, एंड लेट्स गो राइड इट. आपको फिर बताते हैं इसका राइड एक्सपीरियंस. सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो. और अब मैं फिर से चला रहा हूँ TVS RTR 204V. फोर वॉल्स मिल जाते हैं इसमें आपको. वाओ, व्हाट अ वे दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको करता है ना, इट्स रियली नाइस, वेरी प्रेजेंटेबल. गियर लीवर एडजस्टेबल है, दोनों लीवर्स एडजस्टेबल है. सिंगल स्टार्ट में सेल्फ हो जाती है बाइक. यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं. राइट नाउ इट्स इन, आई विल पुट इट इन रेन मोड बिकॉज इट्स रेनिंग अ लिटिल बिट. सो इट्स इन रेन मोड राइट नाउ. राइट नाउ आई एम गोना गो स्ट्रेट. यहाँ पे सस्पेंशन चेक करेंगे. अभी मैंने आपको बताया था हार्ड कर दिया तो मुझे एकदम वो फील हो रहा है कि जैसे बम्प्स आते हैं तो अच्छे से बाइक ऊपर नीचे जा रही है. इट्स नॉट मतलब इजीली आपको स्मूथली ग्लाइड कर रही है, वैसा नहीं है. दे आर टाइट नाउ. सो यार फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन है, नो कंप्लेंस. क्योंकि इससे कंप्लेन क्या ही होगी, क्योंकि सस्पेंशन एडजस्ट हो जाते हैं. तो इसको अपनी राइड के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं. मेरा कहना यही है जो स्टॉक कंडीशन में आता है वो बेटर रहेगी.
या फिर आप अपना राइड करते रहेंगे तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप बाइक ले लेंगे। जो अब ये रेन मोड में है, फुल थ्रॉटल दिया, नाइस रिस्पॉन्स, इतना खास नहीं है, स्मूथ है, बट सस्पेंशन आ रहा है स्टिफर साइड फॉर श्योर। तो ट्रैक के लिए काफ़ी बढ़िया बाइक है। यहाँ से आप बटन्स वगैरह दे सकते हैं, यहाँ से साइड चेंज कर सकते हैं। आपको थ्रॉटल जो है क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो वो आपको बता भी देगा। अर्बन मोड में आ गया, अर्बन मोड में थोड़ी सी पावर मेरे को बिल्कुल सी ज़्यादा लग रही है, बट इतना कुछ नहीं। स्पोर्ट्स मोड में डाल के देखते हैं, स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी अच्छा बाइक रिस्पॉन्स कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे अच्छे तरीके से बम्प्स कंट्रोल हो रही है। इसमें आपको फैन भी मिल जाता है, अभी लो फ्यूल है, सो दिस इज द वे इट्स वर्किंग मैन। काफ़ी स्मूथ, नाइस। गियर शिफ्ट में तो जो हल्का सा भी होंडा की बाइक में आपको पता चलेगा वो भी नहीं पता चलता टीवीएस में, लाइक इतने ज़्यादा स्मूथ है। सो रियर एबीएस प्रॉपर तरीके से काम करते हैं स्पोर्ट्स मोड में भी। मैं फिर से मार के देखता हूँ, क्योंकि अभी जब मोड़ थी मैंने एबीएस मारा था, मेरे को पाँव में किक इन आया। अगेन वी विल ट्राई। सो एबीएस इज वर्किंग वेरी नाइस, थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव लग रहा है मेरे को, बट ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से बढ़िया है। ऑफ रोड में दिक्कत दे सकता है, ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया ये। रेन मोड में डाल दिया, अभी भी काम करता है, बट अब थोड़ा कम सेंसिटिव हो गया है। स्पोर्ट्स में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, मेरे ख्याल से कॉर्नरिंग के लिए बढ़िया रखा गया उसको। ब्रेक्स रियली नाइस, गाइज यहाँ पे हम देखें फुल थ्रॉटल सेकंड गियर, काफ़ी अच्छी स्मूथ राइड क्वालिटी है इस बाइक में। पर इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना, वो काफ़ी अच्छा मतलब साउंड देता है, आपको लगेगा थोड़ी सी इंजन बजाज से, इट्स नॉट बजाज टाइप ऑफ इंजन, इट्स वेरी डिफरेंट। इंजन इज वेरी स्मूथ, बट इसका एग्जॉस्ट नोट ऐसा स्पोर्टी मोड देगा आपको आवाज़ में। मोड चेंज करते हैं, इट्स ऑन स्पोर्ट्स मोड डेफिनेटली मैन। काफ़ी अच्छी बीएच पी मिलती है, ऐसे 17 के आसपास मिलती है स्पोर्ट्स में, एकदम से मुझे काफ़ी अच्छा बीएच पी मिला है, लाइक फील कर पा रहा हूँ मैं अच्छे से बीएचपी को। दिस इज व्हाट इट इज, इवन इफ यू आर अ टॉल राइडर अचीव्ड हाई स्पीड, कैन यू सी इट गाइस? सो लेट मी सी, 80, ओके, वेरी स्मूथ। एंड सस्पेंशन तो नो कंप्लेन, बिकॉज यू गेट द एडजस्टेबल सस्पेंशन, सो लाइक ए स्पोर्ट्स सुपर स्पोर्ट्स बाइक यू कैन एडजस्ट द सस्पेंशन, सो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी होने नहीं वाली। रियली नाइस यार, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, बिकॉज देर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर दिस बाइक। एब्सोल्यूट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इट हैज बीन यूज्ड विद। सो दिस इज अपाचे 200 4V। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मैन। बाय बाय।